हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज BCA की फर्स्ट सेमेस्टर की कम्युनिकेशन स्किल की हम इसमें एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं, जो एक नया टॉपिक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका, और इसमें वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं जिसके बगैर कम्युनिकेशन कर पाना पॉसिबल ही नहीं, असंभव है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन करने के लिए हमें ये जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ाने चल रहे हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं, और इनके बगैर कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। तो ये जो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये इस तरह है। पहला यहाँ पे सेंडर, जिसे हम एनकोडर भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा मैसेज हुआ, एंड थर्ड इज मीडियम और चैनल्स, एंड फोर्थ इज रिसीवर, डिकोडर, लिसनर। कहने का मतलब ये हुआ कि इसे रिसीवर भी कहा जा सकता है, डिकोडर भी कहा जा सकता है, और लिस्नर भी कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है फीडबैक की। तो हम थोड़ा सा ओवरऑल इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने से पहले, इसके डिफिनीशन को एक्सप्लेन करने से पहले, हम मैनुअली इनको डिस्कस करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन के बारे में हमने बताया कि कम्युनिकेशन अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेट या ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ईच अदर या वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो वो बात कही गई थी कम्युनिकेशन में, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका उपयोग कर या जिसका यूज कर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी सूचनाएं या अपनी जानकारी या अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है या उसकी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना देता है तो क्या बन जाता है, यहाँ पे सेंडर बनता है। क्या बनता है? सेंडर। और वो जो सेंडर होता है उसी को हम यहाँ पे एनकोडर कहते हैं। जैसे आप किसी को कुछ निर्देश देना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप सेंडर कहलाएंगे, ठीक है। तो सेंडर के बाद दूसरा आता है मैसेज। तो सेंडर तो जाहिर सी बात है जो मैसेज दिया, मतलब जो सूचना दी, और जो सूचना होती है वही हमारा मैसेज होता है। मतलब जो हम इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो क्या होता है? एक मैसेज होता है। जो रिटेन फॉर्म में होता है, ओरली होता है, स्पीक करके भी आप दे सकते हैं, और भी मल्टीपल मीडियम है जिनका उपयोग करके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। एंड तीसरा पॉइंट है मीडियम और चैनल। मीडियम और चैनल का मतलब ये है कि एक सेंडर हो जाता है जो इंफॉर्मेशन को रिलीज करता है, अब मैसेज जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम किस माध्यम से दूसरे तक पहुंचाएंगे। तो जिस माध्यम से हम उस सूचना को, इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाते हैं वही हमारा मीडियम या चैनल कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे टीवी चैनल होता है, न्यूज होती है, हम देखते हैं, तो न्यूज में सेंडर कौन होते हैं? प्रेस वाले होते हैं, न्यूज चैनल के जो भी वहाँ पे होते हैं एंकर्स, तो क्या होते हैं? सेंडर होते हैं। और जो चीज़ें वो बोलते हैं, जो न्यूज हमें बताते हैं, वो मैसेज होती है। और किस माध्यम से? और अपने न्यूज चैनल, टीवी चैनल के माध्यम से वो हमें क्या करते हैं? मैसेज सेंड करते हैं। तो मीडियम क्या हो गया? चैनल। टीवी चैनल मीडियम हो गया, इंटरनेट माध्यम हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब क्या है? मीडियम ऑफ द मैसेज ट्रांसमिशन प्रोसेस। और जब वो मीडियम के थ्रू ये मैसेज ट्रांसफर होता है तो जाहिर सी बात है कहीं आगे जब जा रहा है तो कोई ना कोई वहाँ पे रिसीवर होगा, डिकोडर होगा या लिस्नर होगा। जैसे आप लोग टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? रेडियो को सुनते हैं, टीवी पर चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ पे सूचनाओं को रिसीव करते हैं। जिसे किसी को अगर हम लिखित फॉर्म में अगर कोई भी सूचना भेजना है तो हम डाक का यूज करते हैं, डाक विभाग का।
डॉक विभाग का यूज करके हम इंफॉर्मेशन को लेटर लिख के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। किस मीडियम का यूज करते हैं? डॉक का। और जहाँ जिस व्यक्ति उसको रिसीव करता है उसको क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं, जो सूचनाओं को प्राप्त करता है उसे रिसीवर कहते हैं। उसके बाद बारी आती है फीडबैक की। किसकी बारी आ गई? फीडबैक की। फीडबैक का मतलब ये होता है कि ये सारे प्रोसेस जब होते हैं, सेंडर ने इंफॉर्मेशन को रिलीज कर दिया, मतलब सेंड कर दिया मीडियम का यूज करके, तो रिसीवर जब उसे प्राप्त कर लेता है तो उसको आंसर देना होता है कि उसमें मैसेज कैसा लगा या पहुंचा या नहीं पहुंचा। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं या नेट पर, हम कोई भी गूगल नेट पर, गूगल में जीमेल वगैरह यूज करते हैं, तो अगर हम नेट पर ही सर्फिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, किसी ने कोई निर्देश सूचना या इंफॉर्मेशन हमारे पास भेजी, हम उसको पढ़ने के बाद अच्छी लगी या क्या हुआ, हम उसका अपना फीडबैक देते हैं, वेरी नाइस, अच्छा, गुड, ओके, आई एम सेटिस्फाइड फॉर योर थिंग्स, योर थॉट्स, इस तरह के फीडबैक्स दिए जाते हैं, गुड, बैड, वेरी गुड, इस तरह की जो भी हमारी फीलिंग्स होती है उस सूचना, उस मैसेज के लिए, वो सारी चीज़ें हम उसमें फीडबैक में अपना बताते हैं। तो ये हो गया। इसी तरह हमने यहाँ पे फाइव एलिमेंट्स को हमने मैनुअली यहाँ पे एक्सप्लेन किया, सेंडर, मैसेज, मीडियम्स, रिसीवर एंड फीडबैक्स। ओके, अब हम ये जितने फाइव और एलिमेंट्स हैं इनको डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन मेथड्स के थ्रू एज ए थ्योरेटिकल। ठीक है, यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास है सेंडर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ऐसा भी कह सकते हैं कि सेंडर इज अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। हमने यहाँ पे दिया, द सेंडर इज ए इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन हु इनिशिएट द कम्युनिकेट्स। मतलब यहाँ पे क्या है, सेंडर जो होता है एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या पूरा ग्रुप भी हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जा सकती है जो कम्युनिकेशन में ये इनिशिएट होता है, जो कोई भी होता है इसे इनिशिएट करता है, मतलब उसको लॉन्च करता है, लीड करता है, तो क्या होता है वहां पे? सेंडर होता है। ठीक है, देन उसके बाद आगे द एंटायर बर्डन ऑफ कम्युनिकेशन देन रेस्ट अपॉन द सेंडर और इनकोडर। अब यहां कहने का मतलब है कि जो सेंडर या रिसीवर होता है वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत उसको रेस्ट की भी आवश्यकता के लिए उसको क्या होता है, कम्युनिकेशन बर्डन होती है। जब हम लगातार किसी भी मैसेज को दे रहे होते तो हमें बर्डन ये होता है कि जो भी बात है या जो भी सूचना हमें भेजनी है हम उसको रिलीज कर दे, भेज दे। ठीक है, देन आगे द सेंडर एक्सपीरियंसेस एटीट्यूड्स नॉलेज स्किल्स परसेप्शंस एंड कल्चर्स इन्फ्लुएंस द मैसेज। अब यहाँ कहने का मतलब सेंडर का जो एक्सपीरियंस होता है वो मैसेज को और भी इन्फ्लुएंस बनाता है, मतलब और भी आसान बनाता है। तो सेंडर के एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेंडर को एक्सपीरियंस होना चाहिए किन चीज़ों का? एटीट्यूड्स के बारे में, क्या होना चाहिए उसके एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी, नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर, और परसेप्शंस होने चाहिए, मतलब धैर्य होना चाहिए, और कल्चर होना चाहिए, मतलब वो क्या होता है संस्कृत से भी चीज़ों को, उसके साहित्यिक संस्कृत से भी वो जानकारी रखता है, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में उसको वेलफुल अगर नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा सेंडर को, तो एक बहुत ही अच्छा एक प्रभावशाली मैसेज वो क्रिएट कर सकता है। इसके लिए सेंडर को एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, जैसे एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल, परसेप्शन एंड कल्चर्स। ओके, आगे बात करते हैं, इफ द मैसेज कैन बी फॉर्मुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिसीवर द लेवल ऑफ एक्सेप्टेशन इज गोइंग टू बी हायर। अब यहां कहने का मतलब है कि यदि मैसेज को फॉर्मुलेट किया जा सकता है अकॉर्डेंस विद एक्सपेक्टेशन, मतलब रिसीवर क्या चाहता है, रिसीवर के इच्छा के अनुसार या रिसीवर के एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसको क्या किया जाए, अकॉर्डेंस किया जा रहा है, यानी
रिसीवर जो होता है हाई फॉर्म ऑफ, मतलब एक हाई लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। रिसीवर हमारा जिस लेवल का मैसेज को समझ सकता है, पढ़ सकता है, हमें उस लेवल के मैसेज को ही यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको रिलीज करना चाहिए। ये मैसेज को बनाने का और लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। कहने का मतलब कई तरह के यूजर्स होते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, बहुत कठिन शब्दों का अगर प्रयोग करके किसी किसान को कोई बात समझाते हैं तो उसको बातें समझ में नहीं आएंगी। जो अच्छे पढ़े लिखे जानकार होंगे, उस फील्ड से जुड़े होंगे, उन्हीं को टेक्निकल और कठिन शब्दों का प्रयोग समझ में आएगी कि ये बंदा बोल क्या रहा है, ठीक है। और अगर हम उसी किसान के लेवल की हल्के तवारकी से जिस तरह से वो समझ सकता है, उन्हीं तरह की नॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करके हम अपनी बातों को अगर समझाते हैं तो उसको समझ में आती है। ये लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिसीवर हो गया, ठीक है। देन सेंडर और सोर्स इज द ट्रांसमीटर्स ऑफ द मैसेज। अब सेंडर जो होता है उसे हम सोर्स भी कहते हैं, जहाँ पे मैसेज को क्रिएट किया जाता है, जो बनाता है। तो सेंडर का काम क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है, द सेंडर इज द ट्रांसमीटर ऑफ द मैसेज। सेंडर मैसेज को क्या करता है, ट्रांसमिट करता, मतलब भेजने का भी कार्य करता है। दीज आर फाइव फैक्टर्स वेन इन्फ्लुएंस द सेंडर इन एनी कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे फाइव फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि सेंडर को किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि एक तरह से धारा प्रवाह होते हैं, मतलब खुल के एकदम उस चीज को, मैसेज को बनाने में या सेंडर किसी भी तरह के कम्युनिकेशन करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं, एकदम फ्लुएंस होता, मतलब आसान होता है उसके लिए वो सारी चीज। तो कौन कौन से यहाँ पे फाइव फैक्टर्स हैं, ऑलरेडी यहाँ पर भी दिया गया है। पहला सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक। उसी की बात हम नीचे भी करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स के बारे में अभी हमने यहाँ पे बात किया। दीज फैक्टर्स आर कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज, पोजिशन इन द सोशल सिस्टम। मतलब एक सामाजिक स्तर पर या सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में पोजीशन, नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी अच्छे से होना चाहिए, जो ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे फाइव एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट सेंडर के बारे में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और अच्छे से उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में भी आ गया होगा। अब इसी के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे होगा, वो होगा मैसेज, ठीक है। तो हम इसको अरेंज करते हैं और यहाँ पे हम मैसेज के लिए वर्क करते हैं। दूसरा पॉइंट इज मैसेज, ओके। तो मैसेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अगला है पॉइंट्स है वो मैसेज है। तो हम मैसेज के बारे में बात करते हैं, मैसेज क्या होता है। मैसेज इज द इनकोडेड आइडियाज ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर। मैसेज क्या होता है, एक इनकोडेड आइडियाज होता है जो सेंडर के द्वारा क्या होता है, ट्रांसमिट किया जाता है या भेजा जाता है। मतलब इनकोडेड आइडिया का मतलब है कि जो सेंडर जिन विचारों को सोचता है या जिस मैसेज को लिखता है या बनाता है, उसी को हम इनकोडेड आइडियाज कहते हैं। और ये सेंडर के द्वारा ये मैसेज इनकोडेड आइडिया को क्या कर रहा है, ये ट्रांसमिट किया जा रहा है। आगे द मैसेज इज व्हाट द सेंडर अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट टू हिज स्पेसिफाइड रिसीवर। अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि मैसेज जो होता है सेंडर को ये अटेम्प्ट करना होता है कि वो रिसीवर जो मैसेज को प्राप्त करने वाला है, ठीक है, रिसीवर के पास वो कौन सा विशेष अपना क्या स्पेसिफिक क्या अटेम्प्ट कर रहा है, क्या मैसेज बना रहा है, ये सेंडर डिसाइड करेगा जो रिसीवर के पास भेजना होगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट यहाँ पे है मीडियम ऑफ चैनल। ये समझ में आ गया मैसेज, आगे बढ़ते हैं। मीडियम ऑफ चैनल, मीडियम ऑफ चैनल्स में हमने दिया द चैनल इज द मीन्स यूज टू कन्वे द मैसेज। अब चैनल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, यूज क्या है चैनल यहाँ पे काम कर रहा है कि मैसेज को ये कन्वे कर रहा है, उसके मीन्स को एक्सप्लेन कर रहा है, मैसेज को रीड करा रहा है। ये चैनल मतलब जिस माध्यम से उसको ये यूज किया जा रहा है, मैसेज को ट्रांसमिट किया जाएगा, उसको कन्वे कर रहा है, मतलब डील करना। ठीक है, चैनल का मतलब क्या हो रहा है, चैनल का उपयोग क्या है यहाँ पे, मैसेज को वो डील करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे मोस्ट चैनल्स आर आइदर ओरल और रिटेन, बट करेंटली विजुअल चैनल्स आर बिकमिंग मोर कॉमन एज द टेक्नोलॉजी एक्सपेंड्स। अब यहाँ कहने का मतलब बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो किसी भी न्यूज को ओरली मतलब बोलकर लिखकर, लेकिन आज की जो करंट विजुअल चैनल हैं जिसमें चीजों को प्रदर्शित किया जाता है। पहले ऐसा था जहाँ पे सिर्फ न्यूज को या सूचनाओं को बोल के या लिखकर ही दिया जा सकता था, लेकिन आज का जो सिस्टम है, आज के जो चैनल हैं, वो ऐसे चैनल्स आ गए हैं अधिक से अधिक कॉमनली जो टेक्नोलॉजी का यूज करके जहाँ पे चैनल्स में हम इंफॉर्मेशन को दिखा भी सकते हैं और ऑडियो वे में ओरल भी उसे दिखा सकते हैं, रिटर्न भी दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों मीडियम्स का यूज करके टेक्नोलॉजी को ऐसा बनाया गया है उस मीडियम से कि हम दोनों तरह से मैसेज को अपने ट्रांसमिट कर सकते हैं। आगे कॉमन चैनल्स इंक्लूड द टेलीफोन। सबसे कॉमन यानी सामान्य जो चैनल है जिसमें इन चीजों को जोड़ा गया है वो क्या है, पहला टेलीफोन्स है एंड वैरायटी ऑफ रिटेन फॉर्म, मतलब टेलीफोन से उसके साथ भी एक अलग विभिन्न टाइप की विभिन्न वैरायटी के रिटेन फॉर्म है, विभिन्न तरीके से मतलब उन चीज़ों को लिखा जा सकता है, जैसे कि मेमोज है, ठीक, लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये सब तो आप देखते हैं रिटेन फॉर्म में बनाए जाते हैं सूचनाएं। ठीक, आगे अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, एक बार देख लीजिए इसे। द इफेक्टिवनेस ऑफ द वेरियस चैनल्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो चैनल्स होते हैं उनका प्रभाव क्या है, फ्लैक्चुएट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि जो हमारे कम्युनिकेशन की गुणवत्ता होती है उसी पर वो डिपेंड होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स क्या होते हैं, अपना अपना प्रभाव फ्लैक्चुएट करते हैं, दिखाते हैं। ये कौन है, चैनल्स की बात है। अब हम इसको थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं, जैसे कि चैनल का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर हम अपने मैसेज को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं जिसके माध्यम से, वो भी हमारा चैनल बोल रहा है। अब मैक्सिमम अधिक से अधिक चैनल ऐसे होते हैं जो कि क्या कहते हैं, ओरल या रिटन फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास टीवी नहीं हुआ करती थी या विजुलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तब हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को शेयर करते थे, ओरल या रिटन फॉर्म में। ओरल कहने का मतलब है कि जहाँ पे चीज़ों को सिर्फ बोल के दिखाया जाए या भेज के। तो देखिए, बोलने का असर में सबसे पहले हमारे पास रेडियो चैनल आया, तो रेडियो चैनल आया तो उसमें सब चीज़ें हमें क्या होती है, सुनाई देती थी, उधर से सूचनाएं क्या होती हैं, रिलीज किया जाता था, सेंडर भेजता था और सूचनाएं रेडियो पे प्रदर्शित होती थी, लोगों को सुनाई पड़ती थी। उसमें गाने हो गए, न्यूज हो गए और भी अदर इंफॉर्मेशन हो गए, तो क्या होती थी उसमें, ओरली वो हमें पता चलती थी। या रिटन फॉर्म की बात करें तो रिटेन में हम क्या करते थे, हमें कैसे कम्युनिकेशन, किसी भी ऑफिस से कहीं से भी कोई सूचना आती थी तो रिटेन फॉर्म में लिख के डॉक के द्वारा आती थी, तो क्या हो गया, रिटेन हो गया। ठीक, वो भी हमारा एक माध्यम हुआ चैनल्स के। लेकिन आज का जो करंट विजुअल चैनल्स जो बन चुके हैं, उन चैनल्स में हम कॉमनली और बहुत तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है और यूज करके सामान्य ऐसे चैनल्स बनाए जिसमें कि क्या कहते हैं, सबसे सामान्य तो टेलीफोन है। टेलीफोन पे क्या है, आज ऐसा टेलीफोन हमारे पास है कि हम फोन करके भी बातें कर सकते हैं ऑडियो फॉर्म में, और उसके साथ हमारे पास फैक्स मशीन होती है जो भी वहाँ पे कम्युनिकेशन, टेलीफोन का भी यूज कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी हम डेटा को निकाल सकते हैं, और उसके साथ साथ रिटन फॉर्म के और भी तरीके हैं जिनका उपयोग हम यहाँ पे करते हैं। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका मेमोज में मतलब पूरा क्राइटेरिया आप प्रोडक्ट बना के देते हैं, मेमोज हो गया,
कोई भी लेटर हो गया वो भी रिटर्न फॉर्म में लिखा जाए, कोई रिपोर्ट जब तैयार की जाती है चाहे कंप्यूटराइज मशीन का यूज करके बनाया जाए चाहे जिस माध्यम का, तो रिपोर्ट भी हमें क्या होती है जब प्रिंट हार्ड कॉपी मिलती है तो रिटर्न फॉर्म में होती है। ठीक, इसको और प्रभावशाली बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन में चेंजेस करके चैनल्स को बनाया गया। आज जो चीज़ें हम ओरली सुनते थे रिटर्न फॉर्म में देखते हैं उसको हम विजुलाइज भी देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीडियम, जो टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन्स हो गए, इंटरनेट हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, ये सब क्या मीडियम या चैनल्स ऑफ ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेरियस कैटेगरी। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिसीवर, डिकोडर या लिसनर। ठीक है, रिसीवर, डिकोडर और लिसनर, इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इसमें सीधी सी बात हमने पहले ही बताया, हम सेंडर के द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन को जो रिसीव करता है, प्राप्त करता है, उसी को हम क्या करते हैं, रिसीवर करते हैं। अब यहाँ पे डिकोडर का मतलब वहाँ पे इनकोड करके बनाई गई, अब यहाँ पे बनी हुई इंफॉर्मेशन को जो रीड करता है उसे डिकोडर कहते हैं। और अगर चीज़ें ओरल वे में आई हैं तो हम उन चीज़ों को, साउंड वे में हैं तो हम उनको सुनते हैं, उसे लिसनर भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने ये दिया आफ्टर द प्रोप्राइट चैनल और चैनल्स आर सेलेक्टेड द मैसेज इंटर द डिकोडिंग स्टेट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे लगभग सभी चैनल्स मैसेज जब उनके पास इंटर कर जाते हैं, पहुँच जाते हैं, तब वो डिसाइड करते हैं बाद में कि वो कम्युनिकेशन के किस प्रोसेस में मैसेज को, कौन से मैसेज को किस स्टेज पे कब डिकोडिंग करना है, उस चैनल्स को, उस मैसेज को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। कौन सेलेक्ट करते हैं, रिसीवर, कि किस मैसेज को हमें पहले पढ़ना है या किसको पहले डिकोड करना है। ठीक है, आगे डिकोडिंग इज कंडक्टेड बाय द रिसीवर। अब डिकोडिंग किसके थ्रू कंडक्ट की जाती है, रिसीवर के द्वारा, रिसीवर ही उसको क्या करता है, डिकोड करता है, इसीलिए कंडक्ट कहा गया, मतलब इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आगे द रिसीवर इज द पर्सन रिसीविंग द मैसेज दैट ड्राइव्स द मीनिंग्स और अंडरस्टैंड एंड द ट्रांसलेट इट इनटू द मीनिंग्स। यानी रिसीवर ही एक ऐसा पर्सन होता है जो प्राप्त किए हुए मैसेज को वो अपने सेंस में उसका जो मतलब होता है या जो मीन्स होता है उसको ट्रांसलेट करने के बाद उसके मतलब को निकालता है, उसको समझने का प्रयास करता है, समझता है। कौन, रिसीवर। रिसीवर के पास जब मैसेज रिसीव होता है, जब वो मैसेज को रीड करता है तो उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, मतलब ट्रांसलेट करके उसको डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब उनके सेंस को समझता है। ठीक है, ये कौन काम करता है, रिसीवर कहता है। ओके, विदाउट फीडबैक द सेंडर कैन नॉट कन्फर्म दैट द रिसीवर हैज इंटरप्रेटेड द मैसेज करेक्टली। बगैर फीडबैक के सेंडर को ये पता नहीं चलता या कन्फर्म नहीं हो पाता कि रिसीवर ने उसके मैसेज को करेक्टली रीड किया कि नहीं, इंटरप्रेटेड किया कि नहीं, मतलब उसको कन्वर्ट कर पाया, हमारे द्वारा भेजे गए मैसेज को समझ पाया या नहीं। ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि रिसीवर इज अ पर्सन विच इज द रीड द मैसेज सेंड बाय द सेंडर दैट इज कन्फर्म द मैसेज इज करेक्टली अकॉर्डिंग टू द फीडबैक। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका हो गया, रिसीवर्स का हो गया। ठीक है, यहाँ पे तीन पॉइंट्स कंप्लीट हुए, मैसेज, मीडियम और रिसीवर। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। इन तीनों के साथ ही यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के ये चार पॉइंट्स कंप्लीट हुए, एक लास्ट फीडबैक बचा हुआ है, अब इनके बाद हम उस पे चर्चा करते हैं। हाँ, ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में फोर पॉइंट्स पढ़े, अब नेक्स्ट यहाँ पे पांचवा जो लास्ट है फीडबैक, फीडबैक के बारे में हम पढ़ते हैं। फीडबैक में हमने जैसे आपको बताया और समझाया कि जब भी हम कोई मैसेज किसी को करते हैं तो उसके बदले वो हमसे कुछ आंसर, कमेंट या अपना प्रीव्यू देता है, व्यू देता है, व्यू ऑफ पॉइंट्स, वो क्या थॉट्स करते हैं, तो वही हमारा फीडबैक होता है। तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा मैसेज उसको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, सही है या गलत है, जो भी है, तब जाके हम वहाँ पे कंफर्म होते हैं।
कहने का मतलब हम उससे ये भी सुनिश्चित है कि हमारा मैसेज उस तक पहुंचा या नहीं, जब तक उसका फीडबैक नहीं आता। तो इसी फीडबैक के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। हमने यहाँ फीडबैक में दिया, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कहने का मतलब यह है फीडबैक में कि यह कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक, मतलब अति महत्वपूर्ण भाग होता है। ओके, आगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन टास्क प्लेस ओनली व्हेन देयर इज द फीडबैक। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन के द्वारा ही ये केवल निश्चित किया जा सकता है कि हमारा फीडबैक क्या है, वहां पे फीडबैक क्या दिया गया है, ठीक है। आगे फीडबैक इज द फाइनल लिंक इन द चेन ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फीडबैक जो होता है वही कम्युनिकेशन प्रोसेस की सबसे फाइनल चयन होती है। कहने का मतलब ये है, चयन का मतलब ये है कि सबसे पहला स्टेप सेंडर, फिर मैसेज, फिर मीडियम, सेंडर मैसेज मीडियम, उसके बाद रिसीवर, और जब रिसीवर ने फीडबैक दे दिया, फीडबैक जब फीडबैक दे दिया तो ये लास्ट है, तब वो जाके कंफर्म हो जाता है कि ये कम्युनिकेशन का सबसे फाइनल लिस्ट और सक्सेसफुल पॉइंट है, क्योंकि तभी जाके ये कंफर्म होता है कि मैसेज हमारा सही है कि नहीं है, और रिसीवर तक हमारा क्या कहते हैं मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है। ये कौन बता रहा है यहाँ पे, फीडबैक बता रहा है, किस सेंस में, कम्युनिकेशन प्रोसेस के लास्ट पॉइंट को या फाइनल जो लिंक होता है, जुड़ा होता है हमारे कम्युनिकेशन का, ये होता है। आगे आफ्टर रिसीविंग अ मैसेज, यानी रिसीवर जो होता है मैसेज, एक मैसेज प्राप्त करने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, द रिसीवर रिस्पॉन्स इज सम वे एंड सिग्नल दैट रिस्पॉन्स टू द सेंडर। अब यहाँ पे रिसीवर क्या कहता है, और भी दूसरे सेम तरीके से या और भी कोई तरीका उपयोग करके या कोई सिग्नल करके वो सेंडर को क्या देता है, रिस्पॉन्स करता है, जवाब देता है, ठीक है। किसको दे रहा है, सेंडर को। कौन दे रहा है, रिसीवर। मतलब जैसे उसको मैसेज प्राप्त होता है तो मैसेज प्राप्त होने के बाद रिसीवर क्या कर रहा है, या उसी तरीके का या दूसरे अदर तरीकों का या कोई सी सिग्नल का उपयोग करके वो सेंडर को रिस्पॉन्स करता है या रिप्लाई करता है, ठीक है। आगे विदाउट फीडबैक, बगैर फीडबैक के द सेंडर कैन नॉट कंफर्म दैट द रिसीवर हैज इंटरप्रेटेड द मैसेज करेक्टली। यानी कि बगैर फीडबैक के सेंडर ये कंफर्म नहीं हो पाता कि रिसीवर ने उसके मैसेज को सही सही रीड किया या ट्रांसलेट किया या समझा कि नहीं। कहने का मतलब कि बगैर फीडबैक के सेंडर यह कंफर्म नहीं हो पाता या सुनिश्चित नहीं हो पाता कि रिसीवर ने उसके मैसेज को ट्रांसलेट भी किया या समझ पाया कि नहीं पाया। आगे फीडबैक इज अ की कंपोनेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब फीडबैक को क्या बताया गया है यहाँ पे, फीडबैक एक की कंपोनेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस में होता है। ये कंपोनेंट का मतलब ये है कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, क्योंकि बिकॉज इट अलाउ द सेंडर टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। यह अलाउ यही करता है कि सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज को और इवैल्यूएट करता है और इफेक्टिव प्रभावशाली बनाता है, ठीक है। मतलब कि जैसे सेंडर ने मैसेज भेज दिया, रिसीवर ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उसको समझा कि हमारा मैसेज, हमारे द्वारा दी गई सूचना उसके लिए आवश्यक या बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं थी। जब उसमें कुछ इफेक्टिव प्रभावशाली चीज़ें होंगी, अति आवश्यक सूचनाएं होंगी, तभी वो रिस्पॉन्स करेगा। इसीलिए फीडबैक को यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस कहा गया है। आगे द सेंडर टू टेक करेक्टिव एक्शन टू क्लैरिफाई अ मिसअंडरस्टूड मैसेज। अब यहाँ पे कहने का मतलब है, जब रिसीवर सेंडर को फीडबैक देता है तभी सेंडर एक करेक्ट एक्शन, करेक्टिव मतलब एक सही डिसीजन, सही एक्शन या कार्य कर पाता है
कि मैसेज में अगर कोई मिसअंडरस्टूड हुआ है, उससे कुछ गलतियां हुई हैं, तो उस पर वो सही सही एक्शन ले सकता है ताकि वो उसको स्पष्ट और सही कर सके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है फीडबैक का। एक तरीके से हम और एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। फीडबैक जो होता है हमारा कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कम्युनिकेशन को एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन से फीडबैक लेने में या फीडबैक देने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और जो फीडबैक होता है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का फाइनल लिंक होता है, सबसे लास्ट लिंक होता है। सारे कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फीडबैक ही बचता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे ही रिसीवर को मैसेज प्राप्त होता है, मैसेज प्राप्त होने के बाद रिसीवर सेम उसी तरीके के या दूसरे सिग्नल्स के या दूसरे और भी तरीके से सेंडर को क्या करता है, रिस्पांस देता है या जवाब देता है। विदाउट फीडबैक सेंडर ये सुनिश्चित नहीं कर पाता कि रिसीवर ने उसके मैसेज को सही तरीके से पढ़ा या समझा कि नहीं। ठीक है, और फीडबैक इज द की कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। फीडबैक जो होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक की कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन में, क्योंकि यह हमें क्या कहते हैं, सेंडर के द्वारा भेजे गए इफेक्टिव मैसेज को इवैल्यूएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या अलाउ करता है। और सेंडर जो होता है तभी जाके एक सही डिसीजन ले पाता है कि उसके मैसेज में अगर किसी भी तरह की मिसअंडरस्टूड हुआ है या कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ गलत हुआ है तो उसको स्पष्ट कर सके, उसको सही कर सके। ये चीजें कब कर पाता है सेंडर, जब उसको रिसीवर के द्वारा फीडबैक प्राप्त होता है। विदाउट फीडबैक सेंडर अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकता, उसको पता नहीं चलेगा उसने क्या गलतियां की हैं, जब तक कोई उसका फीडबैक या कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के 5 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। और इन सभी के जितने भी मैटर्स हमने यहाँ पे विजुलाइज दिखाए हैं या राइटन फॉर्म में दिए हैं, तो इनकी पीडीएफ भी इस वीडियो के साथ इंक्लूडेड होगी। तो आप लोग केयरफुली इस चीज़ को रीड करिए और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए।